प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का शब्द निर्माण, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रत्यय। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने प्रत्यय का कुछ भाग पढ़ा था, जिसकी आज पुनरावृत्ति फिर करते हैं एक बार। क्या है प्रत्यय? जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन या कोई विशेषता उत्पन्न कर देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में प्रत्यय के दो भेद हैं। पहला कृत प्रत्यय, जिसके बारे में पिछली बार ऑनलाइन क्लास में मैंने बता दिया था, फिर एक बार दोबारा इसके बारे में बता देता हूँ। क्रिया के मूल रूप यानी धातु के पीछे जो शब्द जुड़ते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरा, तद्धित प्रत्यय। क्या है तद्धित प्रत्यय? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव आदि के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं, उनको तद्धित कहा जाता है और उन्हीं को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। वो सभी जो शब्द है, जो मूल शब्द है, वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव होते हैं। जैसे दो उदाहरण इसमें दिए गए हैं, अपना, गरीब और मानव। ये सभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव में आते हैं। इनके सभी के अंत में पन, ई और ता प्रत्यय लगे हैं, तब ये शब्द बना है अपनापन, गरीबी और मानवता। तीन नए शब्द बने हैं, इन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लेकिन एक अंतर इसमें है, कुछ विशेषता भी इसमें है। कृत और तद्धित प्रत्यय, इन दोनों में आ प्रत्यय आएगा, आ कृत में भी आएगा, आ तद्धित में भी आएगा। लेकिन ये पता कैसे चले कि ये कृत प्रत्यय का है बनेगा, ये तद्धित क्या बनेगा? तब आपको ये पता लगाना है कि कृत प्रत्यय में जब आप आ लगाएंगे तो आप धातु के पीछे लगाएंगे, और अगर तद्धित प्रत्यय में आप लगाएंगे तो आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव के अंत में लगाएंगे। इस तरह से अपना प्रत्यय का ये जो भाग है शब्द निर्माण में, ये आज पूरा हुआ। अब इसकी जो अभ्यास प्रश्न है, उनकी आपको व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाएगा, जो आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में करना है। अगले अध्याय में हम फिर नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।